Hey guys, namaste. Happy Navratri to everyone. My name is Poonam and welcome to my YouTube channel which is Bahar and Food and Travel Vlogs. So guys, कैसी रही आपकी नवरात्रि और किस किस ने फास्ट रखा था? एक्चुअली आज मेरा भी फास्ट है. आज अष्टमी है और कल नवमी है, तो कल लास्ट वाला लाइक नवरात्रा है. तो नवरात्रे आए और चले गए. हम ज़्यादा कुछ ना भी करें फिर भी जैसे कि जब घर में अखंड जोत जलती है तो कितनी अच्छी वाली फीलिंग आती है ना, जैसे माता रानी, ऐसे लगता है कि साक्षात हमारे घर में विराजमान है. इतनी शुद्ध हिंदी में बोल रही हूँ, कई बार ना टंग स्किप हो जाती है. और ये देखो मेरा मैक जो मुझे वीडियो बनाते हुए डिस्टर्ब कर रहा है, सॉरी गाइस. ये बच्चा हमेशा मेरे साथ साथ रहता है. तो एक्चुअली क्या था कि आज मैंने स्पेशल, जैसे अष्टमी है और मेरा फास्ट भी है, तो कल मॉर्निंग में टेंपल जाऊंगी और फिर वहाँ पे जो कन्याएं होती हैं उनको सारा, उनके लिए मैं अच्छा अच्छा खाना बना के लेके जाऊंगी और जो भी वहाँ मंदिर के बाहर लोग होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी फ्रूट्स एंड जो भी होता है, और माता के मत्था टेकने जाऊँगी सारी फैमिली, मैं, हस्बैंड एंड मेरी डॉटर. तो एक्चुअली क्या था यार, पेन हो रही है बहुत. काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये हैंगिंग्स वेयर करे और एक्चुअली मेरे सूट के साथ मैच कर रहे थे, सो मैंने वेयर कर लिए. मतलब जैसे ऐसे ही फटाफट से रेडी हो गई, मुझे लगा चलो यार. तो आज मैंने नवरात्रा स्पेशल व्रत वाली थाली बनाई है. एक्चुअली जब भी मैं फास्ट रखती थी यार, मैं एक्चुअली प्लीज़ मुझे बात करने दो यार. जब भी मैं फास्ट रखती थी तो तब क्या होता था कि बाहर से थाली ऑर्डर कर देते थे, क्योंकि पूरा दिन थके होना और वेदर भी ऊपर से आपको पता ही अभी कितना गर्म है ना, तो हिम्मत नहीं पड़ती थी कि आप किचन में कुकिंग करो, फास्ट भी है कुकिंग करो. बट इस बार पता नहीं क्यों यार मैंने हिम्मत दिखाई और मैंने सोचा कि क्यों ना माता रानी के लिए स्पेशल व्रत वाली नवरात्रा थाली तैयार की जाए. तो मैंने कुछ कुछ डिशेज बनाई हैं, सो मैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद वो दिखाऊंगी. जो भी नवरात्रा थाली में होता है वो मैंने सारा बनाया, ठीक है. तो पहले मैं आपको अपना ना ड्रेस दिखा देती हूँ. मैंने पहले भी वेयर किया हुआ है लेकिन तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी यार. कुछ भी आप ड्रेसेस ले लेते हो कुछ भी, तो वो अलमीरा में घुसी पड़ी रह जाती है. बट अब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं सारी ड्रेसेस निकालूंगी और अच्छे से ब्लॉग करूंगी और आप सबको दिखाऊंगी कि यार क्या होता है ना कि सूट्स वगैरह कम ही पहने जाते हैं, और जब कभी ट्रेडिशनल इस तरह का कोई फेस्टिवल्स होते हैं तभी इस तरह के क्लोथ्स निकलते हैं, है ना. बट यार आज हिम्मत करके मैंने फिर भी, मतलब मेरे को था कि चलो एक सिंपल सा ड्रेस पहन के आप सबके साथ बात कर ली जाए, है ना. तो चलो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि गाइस इस तरह से ये शरारा ड्रेस है और मुझे शरारा सूट बहुत पसंद है. तो मैंने इसके साथ दुपट्टा नहीं लिया अभी बिकॉज मैक्सू मेरा जो दुपट्टा है उसको पुल कर रहा था, उसको खींच रहा था. आपने देखा ही होगा अभी वो बेड पे चढ़ के मेरे ऊपर आ रहा था, अभी भी इधर चक्कर काटे जा रहा है. तो मुझे जब ये शरारा में ऐसे ऐसे चलते हैं ना, ऐसे ऐसे जब ये ऐसे होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, है ना. और मैक्सू भी मेरी कंपनी कर रहा है पूरी. तो गाइस बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि मैं कैसी लग रही हूँ. ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, बस इस तरह से मैंने ये ड्रेस पहन लिया और बस इस तरह से क्यूट से हैंगिंग्स वेयर कर लिए और आई मेकअप कर लिया थोड़ा सा, मतलब फटाफट से ग्लिटर्स लगा लिए और इस तरह से हेयर बैंड वेयर कर लिया. और ये स्टाइल मुझे सबसे कूल लगता है, चाहे वेस्टर्न वेयर करो चाहे कुछ कुछ स्टाइल बनेगा नहीं तो बस इस तरह से बना लेती हूँ. तो चलिए मैक्सू हेलो बोल दो सबको, माय क्यूटी बेबी. तो चलिए बन रही है साबूदाने की खीर. और देखिए आधी खीर तो नीचे गिर चुकी है और ये है मेरा स्ट्रगल. तो यहाँ पे साबूदाने की खीर बन रही है. बन गई है पनीर की सब्जी, एक मैंने बनाई है पनीर की सब्जी. बन रहा है पम्पकिन जो खट्टा मीठा वाला कद्दू होता है, और ये तो व्रत स्पेशल होता है यार. ये बन रहा है खट्टा ग्रेवी वाले आलू, जो सरी वाले आलू होते हैं.
ये भी व्रत फिश को रोस्ट कर रही हूँ बिकॉज मैंने अभी यहाँ पे बनाना है साबूदाने की टिक्की। तो साबूदाने की टिक्की में मैंने डाला है साबूदाना, बॉयल्ड पोटैटोस, साथ में चाट मसाला, सॉल्ट, हरी मिर्च, कोरिएंडर और बस ये सारी चीज़ें डाली हैं और ये बन जाएगी साबूदाने की टिक्की। ये साबूदाने की टिक्की और बस ये भी बनने ही वाली है। इसके बाद मैंने बनानी है पूरियां और उसके बाद माता रानी का भोग जो है मैंने अपनी श्रद्धा से जो बनाया है यार वो ना फिर उसको मैं बस माता रानी की पूजा करूँगी और माता रानी को भोग टेस्टी टेस्टी जो माता रानी के लिए मैंने स्पेशली डिशेस बनाई हैं उनको मैं भोग लगा दूँगी जल्दी। और मैंने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं जैसे कि मैंने इसमें आमंड एंड रेजन्स ऐड कर दिए और अब प्लेटिंग करूँगी मैं थोड़ी देर के बाद। बट यार खीर के ऊपर जो ये मलाई जमती है ना ये थिक वाली खीर मेरी बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है मुझे। मैं सोच रही हूँ इसको मैं फ्रिज में रख दूँ चिल्ड करने के लिए क्योंकि ठंडी वाली खीर ज़्यादा टेस्टी लगती है। चलो देखती हूँ। Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead.